है ये नज़ारा इनकम टैक्स गोलंबर का है। हर पार्टी के नेता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। महागठबंधन के जो नेता हैं वो खास तौर पर यहाँ जुटे हैं। दरअसल मामला है नीतीश कुमार द्वारा, महागठबंधन यह आरोप लगा रहा है कि सरफ वल्लाह मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। आप इधर भी एक नज़ारा देख सकते हैं कि जो यातायात है वो भारी तौर पर प्रभावित हो रहा है, सड़क जाम हो गई है, लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। यह नज़ारा लगभग हर रोज़ रहता है, लेकिन महागठबंधन के विरोध का यह तरीका है और इसी को लेकर आज राजभवन मार्च आयोजित किया गया है, जो तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। हम बात करेंगे यहाँ मौजूद कुछ नेताओं से और फिर जानेंगे कि आखिर किन मुख्य मुद्दों को लेकर यह विरोध दर्ज कराया जाएगा। सपा भी सड़कों पर है, सपा के नेता हमारे साथ हैं। बताइए आज प्रदर्शन किस बात को लेकर? प्रदर्शन नहीं है ये, तो अचानक यहाँ का जो लोकल लोग हैं, यहाँ प्रदर्शन होता तो आप देखते कुछ दूसरी मजार होता। यहाँ तो सिर्फ ये है कि चीफ मिनिस्टर संविधानिक पद पर बैठा हुआ, संविधान का ओथ लेकर बैठता है। प्रतिपक्ष में आपको मालूम है प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव है। कोई मीटिंग बुलाते हैं अब महागठबंधन का तो सड़क छाप को बुलाने की बात कहा जाता है। इससे अमर्यादिक सब, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? एक तो संविधानिक संकट भी यहाँ है, कानून व्यवस्था समाप्त है। अब शब्द में हम कानून व्यवस्था कैसे लगा सकते हैं? कानून व्यवस्था राज्य में चौपट है, इनका जो शब्द है इसके लिए हम लोग जो संविधानिक पीठ में यहाँ बैठा है राज्यपाल महोदय, उनको हम लोग कह रहे हैं कि इनके शब्द को मर्यादित करवाया जाए, कहीं से नियंत्रित किया जाए। और बिल्कुल कानून व्यवस्था का ब्रेकडाउन हो गया है बिहार में। राजभवन मार्च करने जा रहे हैं, राजभवन मार्च इसीलिए प्रोटेस्ट में कर रहे हैं। ये हम लोगों का प्रतिवाद है, सभी पार्टी आप महागठबंधन के दल एकजुट हैं आज। और आपको मैं कहना चाहता हूँ 2019 में कोई चुनाव नहीं होगा, जनमत संग्रह होगा कि ये देश गांधी लोहिया जयप्रकाश अंबेडकर के रास्ते पर चलेगा कि गोलवरकर के रास्ते पर चलेगा। इसका सड़क जाम है, सड़क जाम है, लोगों को बहुत परेशानियां भी जाम में। हम लोगों ने समीक्षा, जितने लोग हैं मरीज है या कोई मान लीजिए एम्बुलेंस है, सबको छूट है। अभी तो लोग जा ही रहे हैं, कहीं रुकावट नहीं हुआ है। चलिए तो नीतीश कुमार के बयान के विरोध में आज महागठबंधन सड़कों पर है, राजभवन मार्च होने जा रहा है। प्रशासन भी चाक चौबंद है कि लोगों को कोई असुविधा का ना उठानी।